इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघ भी मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम आमने सामने में पूरी तैयारी के साथ आए थे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को इंदौर विकास प्राधिकरण से संबंधित कुछ मुद्दों में पूरे समय घेरे रखा। हालांकि शंकर लालवानी अपनी आदत के अनुसार ज्यादा नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया। इंदौर प्रेस क्लब के सबसे चर्चित चुनावी कार्यक्रम आमने सामने में भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी ने पूरे कार्यक्रम के दौरान अपनी शालीनता का परिचय दिया और अपनी उपलब्धियों में इंदौर विकास प्राधिकरण से बाहर ही नहीं निकल पाए। प्राधिकरण के 5 साल के कार्यकाल में भी अपने सिर्फ कुछ उपलब्धियां ही गिना पाए, जबकि वे भाजपा की ओर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें भाजपा शासित नगर निगम परिषद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, भूमि विकास बैंक, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा रेलवे, एयरपोर्ट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को भी अपने खाते में गिनाना चाहिए था। सामाजिक, राजनीतिक और संगठन में काम करते करते कला और संस्कृति में विशेष रुचि है और विभिन्न कला के क्षेत्र में कार्यक्रम करते करते एक जो हमारे इंदौर की विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, उस विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। लगातार